ये कहानी है बाजीराव पेशवा की, द मराठा लेजेंड फ्रॉम द 18th सेंचुरी, अ ब्रेव हार्ट, अ कॉन्करर एंड एन अल्फा मेल वॉरियर। बाजीराव बल्लाल भट, जिसने अपनी लाइफ में 41 बैटल्स लड़ी और हर बैटल में जीत हासिल की और मराठा एम्पायर को दूर दूर तक फैलाया। 19 साल की उम्र में बाजीराव ने जीती अपनी पहली जंग। बीइंग अ ट्रू वॉरियर, उन्होंने रणनीति के लेसन सीखे हर जगह से, चाहे वो जंग का मैदान हो या जंगल। दुश्मन को जीतने के लिए दुश्मन को जानना जरूरी है। जो दुश्मन को जानता है उसे दुश्मन की कोई भी चाल हरा नहीं सकती। दिस इज द इनविंसिबल, द अनस्टॉपेबल ब्लेजिंग बाजीराव। बाजीराव को एक जबरदस्त योद्धा बनाने में सबसे बड़ा हाथ था उनकी आई साहेब राधा मां का। असली योद्धा हार से मुंह नहीं छिपाता, बल्कि हार को जीत में बदले बिना घर नहीं लौटता। ये राधा मां की सीख थी। उनका मानना था, जंग की तैयारी में तुम जितनी मेहनत करोगे, जंग के मैदान में उसका नतीजा उतना ही बेहतर होगा। जंग लड़े बिना हासिल हुई जीत ही असली जीत है, ये भी बाजीराव को सिखाया राधा मां ने, जिसकी मिसाल देखने को मिली निजाम उल मुल्क की हार में। जंग का मैदान हो या जिंदगी का, उनकी असली ताकत थी उनकी आई साहेब राधा मां। बाजीराव ने शिवाजी की गुरिला युद्ध नीति गनीमी कावा को एक नया रूप दिया, जिसका इस्तेमाल करके मराठा सैनिकों ने हर बार दुश्मनों पर धावा बोला। बाजीराव थे दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त। बाजीराव के दोस्त मल्हार राव ने दिल्ली पर हमला बोला,
मगर जंग हार गए। अपने दोस्त के लिए बाजीराव ने 10 दिन का सफर 48 घंटों में तय किया। और दिल्ली की ये जंग जीत कर लौटे अपने दोस्त मल्हार राव के साथ। जंग में जीता खजाना बाजीराव ने हमेशा की तरह बंटवाया जनता में। बाजीराव जिसने दोस्ती, दुश्मनी और जनता के लिए अपनी जिम्मेदारी सब कुछ निभाया एक सच्चे योद्धा की तरह। बाजीराव पेशवा का राज सबके दिलों पर था, मगर उनके दिल पर राज था काशी बाई का। काशीबाई और बाजीराव बचपन के साथी। जिनका प्यार उनकी उम्र के साथ बढ़ता गया। युद्ध की आग में तपते बाजीराव के जुनून में काशीबाई एक चांदनी रात का सुकून थी। हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी कई मोड़ थे। ऐसे ही एक मोड़ का नाम था मस्तानी। दो दिलों के इस जंग में भी बाजीराव ने कभी काशीबाई का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि एक सच्चा योद्धा अपने वादे नहीं तोड़ता। युद्ध अगर कला है तो बाजीराव थे इसके सबसे बड़े कलाकार। भोपाल की जंग में अपने से कई गुना शक्तिशाली मुगलों को हराकर बाजीराव ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया। उनकी तलवार की धार के सामने दुश्मनों में मच जाता था हाहाकार। वो तलवार जिसका वजन था 36 किलो। बाजीराव अपनी फौज के साथ तेजी से बढ़ते थे, क्योंकि जंग के मैदान में उनके साथ सिर्फ उनकी तलवार होती थी। जबकि उनके दुश्मन जंग के लिए भी अपना ठाट बाट का सामान साथ लेकर चला करते थे। वो कहते थे, रात का वक्त ऊपर वाले ने सोने के लिए नहीं बल्कि इसलिए दिया है कि ढाल की तरह उसका इस्तेमाल करके हम अपने से शक्तिशाली दुश्मनों पर जीत हासिल करें। मुगल हो या निजाम, पोर्चुगीज या सिद्धि, जंग की बिसात के माहिर खिलाड़ी बाजीराव के सामने कोई नहीं टिक पाया। अपनी जिंदगी मातृभूमि के नाम कर देने वाले बाजीराव ने अपना जीवन युद्ध के मैदान में बिताया और अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली, घर से दूर
अपने शिविर में। बाजीराव वो मराठा योद्धा जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। और बुंदेलखंड की वीरांगना मस्तानी जिसे हमेशा जीतने की आदत थी। से किसने अपना दिल पहले हारा यह तो शायद उन्हें भी नहीं पता चला। महलों में गूंजती सुरों की धनक, यहां जंग में गरजती तलवारों की खनक। बाजीराव और मस्तानी बने थे एक दूजे के लिए। सारी जिंदगी रणभूमि में बिताने वाले बाजीराव को अपना प्यार पाने के लिए अपनों से भी एक जंग लड़नी पड़ी। और जिंदगी की इस सबसे बड़ी जंग में बाजीराव के साथ थी मस्तानी।